बहुत महंगा पड़ेगा आप लोगों को ये। एकदम सही बोला, महंगा पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को नहीं, आप सब लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, एक शब्द भी हमारे खिलाफ बोला गया तो मैं रविंदर सिंह बग्गा को खत्म कर दूंगा। डैडी जी बहुत ठंड रखो आप है? वो इनके बस की कुछ बात नहीं रही, कुछ नहीं कर सकते ये है? जिन पे ये चौड़े होते थे ना, इनको ये बग्गा से वो देखो लेटा पड़ा वहां पर। और ये चीता मार दिया इसको तो मैंने। और रही बात इसकी, पता नहीं क्या ही बोलूं इसको है? इसको बांध के हमने कुछ भी कर रखा है इसके। ओ यार इनकी बस की कुछ नहीं है। आप ये बताओ वो इसकी लाश क्या क्या करना है? अभी इंतजाम कर देते हैं, लाश को उठाओ और ले जाओ चलो। और हरमन कहती है नहीं रुको, कोई नहीं आएगा आगे, कोई नहीं आएगा, कह रही रुक जाओ, कहीं नहीं जाएगा मेरे राजीव, कोई इसको हाथ नहीं लगाए। अरे देख क्या रहे हो, उठाओ और ले जाओ। भाई उठने लगे राजीव के पास, दबा दो। इतने भी बुरे नहीं हम लोग कि घर के दोनों बेटों को मार दे। उसे कंधा देने के लिए इसको जिंदा रखा है, बेहोश है, होश में आ जाएगा। अरे देख क्या रहे हो, लाश उठाओ और चुप सब, मैं गोली मार दूंगा पापा जी की कसम, चुप हो जाओ। मचाएगा यहाँ पर श्यांकी, उस अजूनी का पता लगा, उसे भी तो ठिकाने लगाना है। अरे वो कब तक छुपेगी बेबे, श्यांकी उसे ढूंढ और राजवीर के पास भेज दे। चल जाओ जाओ नीचे बैठ जाओ, बख्शी जी नहीं आगे निकल जाओ, बैठो मत निकल जाओ, बख्शी जी बैठे होंगे। क्यों वीर जी की चाय कर रहे हो? मेरे नाम के पीछे भी बग्गा लगता है, लगता है आप भूल गए। अरे हमें इतना परेशान किया था ना, मेरी गर्दन तोड़ी थी, हमने आपका परिवार ही तोड़ दिया, अब आया मजा।